हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा चैनल में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी में आज हमने ड्राई फ्रूट का और मेथी का लड्डू बनाने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले सारा सामान को मेजरिंग करते हैं कि कितना कितना क्वांटिटी में हम लिए हैं। तो एक कटोरी मेथी है और इसका मेजरिंग करेंगे तो 250 ग्राम मेथी है और 500 ग्राम गुड़ है। गुड़ है फ्रेश वाला। जब भी आप लड्डू बनाएं तो इस तरह के गुड़ लाएं तो आपका लड्डू अच्छा बनेगा, फ्रेश, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्टी भी बनेगा। और गेहूं का आटा है, ये भी है आटा 250 ग्राम। आपको मनपसंद जितना मन है उतना डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए गेहूं के आटा डाला जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ड्राई फ्रूट से भी बना सकते हैं स्पेशल, आपका बाइंडिंग हो जाएगा, उसमें ज़्यादा खजूर और किशमिश पीस से डालना पड़ेगा। तो इसके लिए और बाइंडिंग के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है और 100 ग्राम चावल का आटा है। चावल का आटा से भी अच्छा लड्डू बनता है, टेस्टी बनता है। चावल और गेहूँ का आटा मिलाकर बहुत टेस्टी बनेगा। आपको चाहे तो आप चावल, आखा चावल को भूंज कर और गेहूं को आटा पीस के बना सकते हैं, या आटा भून देंगे, आपका सेम टेस्ट होगा। आपका इजी हो जाएगा डायरेक्ट आटा ला करके और भूनने में। और इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट में लिए हैं वो सबसे पहले दिखाते हैं। इन लोग के साइड में रखते हैं और सामान में लिए हैं लड्डू में डालने के लिए। एक छोटी इलायची है, 15 से 20 इलायची है और लवंग है और काली मिर्च है, सौंठ का पाउडर है, नहीं जिंजर पाउडर, सौंफ है और एक तीसी है, इसको अलसी कहते हैं, और हल्दी पाउडर है और एक गोंद है, एक खाने वाला गोंद है, और एक सनफ्लावर का बीज है और एक तुरई का बीज है। तुरई आप लोग जानते होंगे, नेनुआ के बोलते हैं तुरई, कोई नेनुआ बोलते हैं, कोई घोंगरा बोलते हैं, लंबा लंबा हरा हरा फलता है, उसी का ये बीज है। और ये तरबूज का बीज है, तरबूज तो जानते ही हैं आप लोग। और ये मुलेठी है, ये आयुर्वेदिक है, ये लकड़ी, इस एक प्रकार की लकड़ी है और एक थायराइड में बहुत काम आता है, और ये जड़ी बूटी है। तो इसको भी लड्डू में हम लोग डाल के बनाते हैं और इससे टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन हेल्दी बनता है इससे। और इसमें डालने से शरीर के लिए दर्द, सुस्ती, थकान, माइग्रेन, इस सब में, जोड़ों का दर्द में, ये सब काम आता है। तो ये सब इसमें अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक सामान में हो गया है मेरा, ये सारा आयुर्वेदिक में आता है। और फिर दिखाते हैं आपको, और ड्राई फ्रूट में लिए हैं छुहाड़ा, लिए हैं धोकर साफ़ कर लिए हैं और 10 मिनट पानी में फुला दिए हैं इसको, बीज निकालने के लिए आसान हो जाता है। और ये है बादाम है और नारियल है सूखा वाला, मूंगफली दाना है, काजू है और मखाना है, अखरोट है और किशमिश है। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। ये लड्डू एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, जहाँ से भी देख रहे हैं। ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ दोस्तों, मेरा रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेथी को हम फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। पेन मेरा गरम हो गया है, सबसे पहले मेथी को रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा मेथी को बचा लेते हैं, थोड़ा इसमें ज़्यादा था मेथी। ये बहुत अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है और बनाने के लिए आसान है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग कभी भी ये लड्डू बनाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जाड़ा में ही बनाना है,
ठंडी के दिन में ही बनाना है। ये सालों भर हम लोग खा सकते हैं अपना स्वास्थ्य के लिए। जिसको दर्द है कमर में, घुटना में, सर में, तो उस सब में हम लोग खा सकते हैं। सुबह में, सुबह में ब्रश करके गर्म पानी के साथ एक लड्डू डेली सेवन करेंगे हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लड्डू बनाते हैं गृहिणी, तो बोलते हैं कि मेरा लड्डू कड़वा हो गया है, मेथी वाला लड्डू मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, कड़वा लड्डू इसलिए हो जाता है कि डायरेक्ट मेथी भूंज के पीस के डाल देते हैं, तो इसीलिए लड्डू कड़वा हो जाता है। तो डायरेक्ट डालना है तो मेथी का मात्रा बहुत कम रहेगा, मतलब कहाँ नहीं जा सकता है, 50 ग्राम के अंदाज में रहेगा। अगर 1 kg सारा सामान आपको है तो 50 ग्राम मेथी डालिए तो पर भी कड़वा रहेगा, इतना ही कड़वा होता है। लेकिन हम 1 kg मेथी भी डालेंगे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेम लड्डू बनेगा, और आधा केजी 1 kg का भी लड्डू बनेगा तो भी हम इसमें आधा केजी मेथी डाल सकते हैं। कारण आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो आप लोग के बताते हैं। ये मेथी जो हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ना, इसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना रहे हैं, वो तो सामने ही देखेंगे आप लोग। और इसको दूध में फूलने के लिए 3 से 4 घंटा तक डाल देंगे। 1 लीटर दूध आपको चाहिए, जितना मनपसंद चाहिए दूध। अगर 250 ग्राम मेथी के आप बनाते हैं तो 1 लीटर भी दूध लीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, 0.5 लीटर लीजिएगा तो भी सारा दूध ही सोख लेगा। आपका मनपसंद फुल क्रीम दूध लीजिए, चाहे गाय का दूध लीजिए, कोई फर्क नहीं है। और इसके बाद में सोख लेगा, इसके बाद में आप बना के लड्डू देखिए कैसा लगेगा। एक बार मेरे ट्रिक से आप बनाइएगा और सेम क्वांटिटी में बनाइएगा, मेथी इतना डालिएगा, ड्राई फ्रूट उसमें से 2-4 ड्राई फ्रूट जो आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बहुत सामान है जो उसमें से आपको पास नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मेथी डालिए, आपको जो मन का भ्रम है वो दूर हो जाएगा कि मेथी का लड्डू कड़वा होता है, ऐसा नहीं है। मेथी भून गया है, देख लीजिए गेहूमिया रंग के हो गया है, गोल्डन। अब फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ठंडा करके पाउडर बनाते हैं। देखिए मेथी किस तरह से भुंजाया है, देखिए अच्छी तरह से। आप लोग वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा इसके लिए टेंशन ज़रा भी ना करिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रही हूँ। इसी तरह से मेथी के कलर हो जाना चाहिए। उधर मेरा मेथी ठंडा हो रहा है और तब तक इधर आटा को, गेहूं के आटा को फ्राई कर देते हैं। इसको बिना वायल को फ्राई करना है, बिना घी का, सॉरी वायल तो डालना ही नहीं है ये लड्डू में, टोटल लड्डू घी में ही बनता है। तो इसको बिना घी के भूनते हैं सबसे पहले। साथ में चावल का भी आटा डाल देते हैं, अलग अलग भूनने से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा, साथ में भून जाएगा, दोनों आटा है और इजी भी हो जाएगा मेरा काम। आटा मेरा भुना गया है, देखिए एकदम ब्राउन कलर के हो गया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में। कितना अच्छा बना है, आटा भुनाया है। देखिए आटा को ट्रांसफ़र कर लिए हैं और कितना रंग इसका सुनहरा लग रहा है आटा को। तो अब आगे के प्रोसेस आगे दिखाते हैं। देखिए इस तरह से एकदम बारीक पाउडर बनाना है, नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए एकदम हल्का दरदरा सा पाउडर बनाना है। और दूध में उबाल आ गया है हल्का, अब इसी में डाल देते हैं पाउडर को। इसी तरह से लड्डू को बनाना है, एकदम कड़वा नहीं लगेगा। 0.5 लीटर दूध लिए हैं और 0.5 लीटर दूध में 250 ग्राम मेथी को फुला रहे हैं, मेथी को पाउडर के। और इस तरह से हम इसको चला देंगे।
इस तरह से देखिए, अभी एकदम दूध पतला है ना, एकदम सारा दूध सोख के और एकदम काढ़ा बन जाएगा। फ्लेम को बंद करते हैं, फिर आगे वाला प्रोसेस आगे दिखाते हैं। कढ़ाई को बैठाते हैं और सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब इसमें घी डालते हैं। सबसे पहले मैं गोंद को पहले फ्राई करूंगी। देखिए कितना अच्छा लावा की तरह बन गया है, लग रहा है कि भुट्टा के लावा है। देखिए इसी तरह से इसको भूनना है। एक ग्रीस के काम करता है, बहुत फायदा है। लड्डू में गोंद डाल के बनाइएगा तो बहुत फायदा है। अब डालते हैं बारी बारी से, अब सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लेम को लो कर देंगे। सबसे पहले अखरोट डालते हैं। इसके बाद मूंगफली, काजू और बादाम को एक साथ डाल देते हैं। और सूरजमुखी और तरबूज का बीज और एक तुरई का बीज को साथ में तीनों के रोस्ट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, कम घी में ही तलना है इसमें। अलसी को बीज को भी इसी तरह से इसमें भूंज देते हैं। एक सामान मेरा छूट गया है, तिल। इस वीडियो में दिखाने के लिए बाद में डालते समय आप लोग दिखा देंगे। वो मार्केट से लाना ही मैं भूल गई थी। अलसी, तिल और जो बीज दिखाए हैं, सूरजमुखी का बीज और तुरई का और तरबूज का, ये सब हम लोग बिना लड्डू के भी इसको फ्राई करके हम लोग खा सकते हैं। सेहत के लिए, मोटापा कम होने के लिए, घुटना का दर्द और कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदा होता है। 2 चम्मच रोज हम लोग खा सकते हैं। अलसी का बीज भुना गया, देखिए कितना फूल गया है। किशमिश और नारियल को साथ में एक साथ फ्राई कर देते हैं। ज़्यादा नहीं करना है इसको, थोड़ा हल्का करना है। थोड़ा थोड़ा लड्डू में सारा ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है,
कच्चा डालिएगा तो टेस्ट ख़राब कर देगा। ऐसे है कि 15-20 दिन 1 महीना तक फ्रिज में रख कर आप खा सकते हैं। ऐसे फ्रिज में तो खाना बना बनाया ज़्यादा नुकसान करता है, नहीं खाना चाहिए। फिर भी आदमी लाचारी में रख देता है, और शौकीनी तो है ही हम लोग की। लास्ट में हल्दी पाउडर को भी भूनते हैं और साथ में जिंजर पाउडर को भी डाल देते हैं। हल्दी पाउडर भुना गया है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। फिर आगे के प्रोसेस आगे दिखाते हैं। सारा लड्डू का सामान था सब फ्राई हो गया है, अब बांधने के लिए इंतज़ार करना है। अब चेक करते हैं कि मेथी का पाउडर फूला कि नहीं। यस, देखिए आधा घंटा हुआ है। देखिए इस तरह से सारा दूध को सोख लिया है, और 20 मिनट और इसको दूध में रखेंगे, सारा दूध ये सोख लेगा, तब फिर बनाना शुरू करेंगे। और 10 मिनट वेट करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लिए हैं, अब इसमें घी डालते हैं। घी अंदाज से डालना है, अभी मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद जैसा लगेगा फिर बाद में डालूँगी। और मेथी देखिए फूलकर किस तरह से हो गया, सारा दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए अब इसी में डालते हैं। इसी तरह से मेथी के लड्डू बनता है तो एकदम कड़वा नहीं होता। अब देखिए एकदम मनभोग की तरह जो हलवा हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको भुनाई करेंगे। अब सारा भुना के अलग अलग हो जाएगा, दाना दाना की तरह दिखने लगेगा। देखिए मेथी भुना गया है, देखिए कितना भर भर जैसा हो गया है दाना दाना। अब घी इसे रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से जब भी लड्डू बनाइएगा तो इसी तरह से इसको भुनाई करना है, एकदम अलग अलग हो जाए। जैसे हम लोग आटा के मनभोग बनाते हैं, उसी तरह से मेथी का मनभोग बन गया है। ये देख लीजिए कैसा था पहले और अब कैसा हो गया। अब इसमें घी पूरा रिलीज कर देगा तो समझिए कि मेरा मेथी भुन गया अच्छी तरह से। थोड़ा सा और 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा घी जो है से छोड़ना शुरू कर दिया है, देख लीजिए। अब चुप फ्लेम को बंद करते हैं और इसको बाहर करते हैं। अब लड्डू के लिए चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में पानी डालते हैं, इस कप से कप, यानी पानी 250 ग्राम पानी है तो इसको डालते हैं। और 600 ग्राम गुड़ है, अब इसको एक तार से थोड़ा कम होने तक इसको चाशनी बनाते हैं। धीमी आंच पर धीरे धीरे पहले पिघलने देंगे। सबसे पहले हम मेथी में आटा मिलाएंगे चावल और गेहूं का। इसके बाद ड्राई फ्रूट सब पीस के रखे थे, जो गोंद, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, इस सबको मिलाते हैं। दरदरा पाउडर बना लिए हैं। इसके बाद बीज जो था ये डालते हैं, अलसी। छुहाड़ा
इसको भी मिक्सर जार में पीस के दरदरा पाउडर सा बना लिए हैं। फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट, सौंफ, हल्दी और सौंठ पाउडर साथ में भूंज के दिखाए थे आप लोग के पहले। चाशनी मेरा तैयार हो गया है, देखिए एक तार के। आ रहा है नजर आप लोग के, देखिए इसी तरह से चाशनी बना के हमें लड्डू को बनाना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ दोस्तों कि सोचिए मत, रातों रात ब्लड बनकर तैयार हो जाएगा और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा ये लड्डू खाने से। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और तेल भी डाल देते हैं, मैं सारा ड्राई फ्रूट फ्राई करते समय तेल डालने के लिए भूल गई थी, तो बाद में मार्केट से मंगा के डाल रही हूँ। तेल भी बहुत फायदा करता है और स्वाद तो लाता ही है, टेस्ट। सभी को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। दो चम्मच घी और ऊपर से डाले हैं दोस्तों। वो जो मेथी भून रहे थे ना, तो उस समय हमने 300 ग्राम घी डाल दिए थे और दो चम्मच और डाले हैं, कम लग रहा था। तो इतना मेरा लड्डू तैयार करने में समझिए कि 350 ग्राम घी इसमें डलाया है। मेरा लड्डू के सब क्वांटिटी हो गया, 1.5 kg बन गया है। सब थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत बढ़ गया, देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा पूरा ये बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इसमें चाशनी को डालते हैं। अब चाशनी बना के रखे थे वो डालते हैं, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे। इसके बाद पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद फिर डालते हैं। जब भी आपको बनाना होगा तो गर्म सी चाशनी डालना है, ठंडा करके नहीं, तो बाइंडिंग करने में बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको एक मिश्रण में जो बना के रखी हूँ ये सूख जाए तो थोड़ा सा सीरा बना कर और इसको इसमें डाल दीजिए, तो फिर अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे कम लगा तो, और सेम है तो कोई बात नहीं है। इसमें इतने ड्राई फ्रूट में घी वगैरह तेल ये सब निकलेगा कि इतने में हो जाएगा, न तरह से पसीना घी छोड़ना शुरू कर देगा। और काली मिर्च के पाउडर डालते हैं। लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से बनाना है। आप बड़ा छोटा साइज दे सकते हैं सेब, देखिए इस तरह से बनाना है लड्डू के। और एक दो बना के दिखाती हूँ। सारा लड्डू मेरा बनकर तैयार हो गया दोस्तों, देखिए बहुत सुंदर लड्डू बना है। आप लोग सर्व करिए और मुझे फीडबैक शेयर करिए कि मेरा बनाया हुआ लड्डू कैसा लगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें दोस्तों। और देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।